नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज ऑफ कोड में आपका स्वागत है। आज हम आपको दुर्योधन की घनिष्ठ मित्रता के बारे में बताएंगे, जिसे संपूर्ण महाभारत में महत्वपूर्ण माना गया है। यानी कर्ण और दुर्योधन की मित्रता, उन दोनों की मित्रता के उदाहरण दिए जाते हैं। कारण, जैसा ईमानदार और निष्ठावान मित्र मिलना सौभाग्य की बात है। जब परशुराम के आश्रम से निकलकर कर्ण हस्तिनापुर पहुंचे, दूसरी तरफ पांडव और कौरव भी गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा लेकर हस्तिनापुर में अपनी कला कौशल का प्रदर्शन कर रहे थे। उन दिनों हस्तिनापुर में कौरव और पांडवों का युद्ध अभ्यास चल रहा था। एक भव्य मेला लगा हुआ था, जिसने कौरवों और पांडवों को अपनी अस्त्र शस्त्र कुशलता प्रदर्शित करते हुए जन सामान्य का मनोरंजन कर रहे थे। ये प्रतिस्पर्धा कला प्रदर्शन के साथ साथ मन का निश्चय और विश्वास बढ़ाने में मददगार होती थी। आज ही के दिन अर्जुन अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन करने वाले थे। आकाश में बाण चलाकर बादलों को छेदना और वर्षा करवाना, अग्नियस्त्र की सहायता से अग्नि प्रज्वलित करना आदि अनेक प्रकार की अस्त्र सिद्धि से अर्जुन की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। आज इसका प्रत्यक्ष प्रमाण अर्जुन हस्तिनापुर के जन समुदाय के समक्ष दे रहा था। आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, भीष्म, धृष्टार्थ, माता गांधारी और माता कुंती आदि वरिष्ठ जन भी वहां मौजूद थे। अर्जुन के प्रशंसा के वातावरण में केवल एक दुर्योधन ही नाराज दिखाई दे रहा था। दुर्योधन को किसी ऐसे योद्धा की जरूरत थी जो अर्जुन को हरा सके, जो अर्जुन का सामना कर सके, जो बिल्कुल अर्जुन की क्षमताओं से मेल खा सके। इस माहौल में कर्ण का वहां आगमन हुआ। उसने देखा कि अर्जुन की विद्या उसके सामने साधारण है। वो खुद उससे अधिक अस्त्र शस्त्र और धनुर्विद्या जानता है। उससे रहा ही नहीं गया और उसने अर्जुन को ललकारा, कहा, हे पांडव श्रेष्ठ अर्जुन, तुम्हारी कला का मैं आदर करता हूँ, किंतु यदि तुम तैयार हो तो मैं अवश्य ही तुम्हें पराजित कर सकता हूँ। या तो तुम अपने को श्रेष्ठ ना कहो या फिर मुझसे युद्ध करो। क्या तुम मुझसे धनुर्विद्या में प्रतिस्पर्धा कर सकते हो? इस अचानक ललकार से अर्जुन कुछ देर के लिए स्तंभित हो गया, किंतु संभाल कर तुरंत बोले, हे वीर, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। उचित होगा यदि तुम कृपाचार्य और मेरे गुरुजनों से इस विषय में बात करो। कुंती ने कुछ कुंडलधारी युवक कर्ण को देखते ही उसे पहचान लिया। कर्ण उसका अपना बेटा था, लेकिन वह ये भेद किसी को बता नहीं सकती थी। इसी असाधारण घटना से उसे मूर्छा आ गई। उसे तुरंत ही राजमहल ले जाया गया और कृपाचार्य और द्रोणाचार्य जान गए कि ये युवक कोई साधारण योद्धा नहीं है। उन्होंने कर्ण का नाम पूछा और जानना चाहा कि वह किस राज्य या राजा का पुत्र है, उसके माता पिता का नाम क्या है। अब कर्ण की बारी थी दुविधा में जाने कि यदि वह कहता कि वह सूर्य पुत्र है तो उसकी और उसके माता पिता की हंसी होती, तो उसने वहां पर चुप्पी साधे रखना ही उचित समझा। कृपाचार्य ने उससे कहा, यदि तुम अर्जुन से युद्ध करना चाहते तो इसके लिए तुम्हें या तो कोई राजा होना चाहिए या फिर क्षत्रिय परिवार से, इसलिए अपने परिचय दो महावीर। परिस्थिति को समझते हुए दुर्योधन समझ गया अर्जुन से दो दो हाथ करने में समर्थ एवं और साथ ही ये वीर योद्धा भी है, इसलिए उसने कर्ण की तरफ अपनी मित्रता का हाथ बढ़ाना उचित समझा। इसलिए समय सूचक और दूरदृष्टि से प्रेरित दुर्योधन तुरंत उठ खड़ा हुआ और उसने सभा को संबोधित करते हुए घोषणा की, हे गुरुजनों, हे पांडवों एवं हस्तिनापुर वासियों, सुनो, मैं अपने मित्र कर्ण को अंक का राजा दान देता हूँ। मैं अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करके इसे अंग देश का राजा बनाता हूँ और उसका अंग राज के रूप में राज्य अभिषेक करता हूँ, जिसके पश्चात भविष्य में कोई भी ना पूछे कि कर्ण कौन है। आज से और अभी से वह अंगराज है और कर्ण मेरा परम मित्र है। अब वह एक राजा होने के नाते अर्जुन से युद्ध करने का उत्तराधिकारी है, इसलिए ये द्वंद्व युद्ध अब इन दोनों के बीच किया जा सकता है। अर्जुन और कर्ण के बीच गुरु पितामह भीष्म के हस्तक्षेप के बाद युद्ध तो नहीं हुआ, पर इससे दुर्योधन ने लज्जा और अपमान से कर्ण को बचा लिया था। अब कर्ण के सामने दुर्योधन का मैत्री का हाथ स्वीकार करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं था। कर्ण ने निश्चय कर लिया कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन वो दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। इसी कारण से उसने दुर्योधन का साथ तब तक भी नहीं छोड़ा जब वह जानता था कि दुर्योधन सही मार्ग पर नहीं है। उसने दुर्योधन का साथ तब भी नहीं छोड़ा जब वह जान गया कि वह पांडव का बड़ा भाई है। उसने दुर्योधन का साथ तब भी नहीं छोड़ा जब वह पितामह भीष्म के सामने सेनापति बनाया गया। वह जान गया था कि दुर्योधन का साथ उसके विनाश के मार्ग पर ले जा रहा है, परंतु उसने अपनी मित्रता के बीच अपनी निष्ठा के दीवार को इस तरह से मजबूती से खड़ा रखा कि आज भी लोग उसे उधाण देते। दानवीर कर्ण ने अपने जीवन में एक ही भूल की थी और वो थी दुर्योधन के साथ मित्रता, लेकिन उसने इस मित्रता के साथ जो निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाया वह पूरी दुनिया के सामने एक उदाहरण है।
हम दुर्योधन और कर्ण की इस मित्रता को प्रणाम करते हैं और कर्ण जैसे मित्र को पाने की इच्छा रखते हैं। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें, और दोस्तों हमें कमेंट में बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले देखने को मिल सके। धन्यवाद।